मेरा बेटा उसका दोस्त गली से सैर कर रहे थी ते साढ़े घर के सामने ही है महेंद्र सिंह सिपाही है रिटायर, ठीक है जी। वो अगे भी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी उसके बच्चे दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। पहले उन्हें एक बार बारी के गाला कढ़िया, ठीक है। ये मेरे बच्चे भी बाहर आ गए अपने घर के अगे आके खड़े हो गए, उन्हें गाला कढ़िया, ये अगे गए थोड़ा जा वो आके इन्हों कुटना शुरू हो गया। उस तो बाद भरा उदा प्यो उदी भैन, ठीक है जी, तो कुड़ी सारे दात हथियार लैके बाज मारन लिए आ गए। सीसीटीवी कैद लड़ाई दियां यह जो खतरनाक तस्वीरां तुसी देख रहे हो यह लुधियाना शहर दियां ने जिथे दो धिरां विचाले खूनी झड़प हो गई अते एक नौजवान इस झड़प विच गंभीर जख्मी हो गया जिसके सिर विच नौ टांके लगे ने। लड़ाई दौरान इन्हां दोवां धिरां च इट्टां रोड़े चले अते एक दूजे उत्ते डंडियां सोटियां नाल वार कीता। आओ तुहानूं दिखाउने आ इह वीडियो। मेरा नाम कमल डिंगरा जी। सर की मामला है कि वीडियो जी तुसी दिखाई है जी। मेरा बेटा उसका फ्रेंड साड़ी गली दे ही बदर के मुंडे दोनों असी सारे खड़े से उत्थे रात को सैर कर रहे थे बच्चे खाना खाने तो बाद। मेरा बेटा उसका दोस्त गली से सैर कर रहे थे तो साढ़े घर के सामने ही है महेंद्र सिंह सिपाही है रिटायर, ठीक है जी। वो अगे भी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी उसके बच्चे दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। राती भी परसों राती शनिवार भी सैर कर रहे थे बच्चे, पहले उन्हें बाहर बारी के गाला कढ़िया, ठीक है। ये मेरे बच्चे भी बाहर आ गए अपने घर के अगे आके खड़े हो गए, उन्हें गाला कढ़िया, ये अगे गए थोड़ा जा वो आके इन्हों कुटना शुरू हो गया जिदे विच असी सारे महल ने बिच बचाव किया जिदे विच वो गिर गया। उस तो बाद उहदे भरा उहदा प्यो उहदी भैन, ठीक है जी, उहदी कुड़ी सारे दात हथियार लैके बाज मारन लई आ गए जिदे विच महल्ले वाले ने बचाव जो किया आरे परे करता सारिआं नूं। वो कोठे जाके इट्टां मारनियां शुरू हो गए जी जिदे विच साडे मुंडे नूं मेरे बेटे दे दोस्त भी आ साडे महल्ले वाला भी मुंडा अमित कुमार उहदे सिर दे विच सट लग गई जी बहुत ज़्यादा इट वो ज़्यादा उत्थे ही गिर गया। असी उहनूं चक के उस तो बाद पहले सिविल लै गए उन्होंने सानूं इत्थे भेजता जी ESI हॉस्पिटल। असी उहदी उत्थे MLR कटाई कटा के असी माहौल देखिया उत्थे इलाज वाला नहीं सीगा असी उन्होंने एक बार घर लिया था घर असी लैके आ रही रस्ते जो खून दी उल्टियां शुरू हो गया असी मुड़ के CMC एडमिट कराता CMC वाले भी पुलिस ने असी उस वेले ही जो इन्होंने मारना कुटना शुरू किया सी असी 100 नंबर 112 नंबर डिवीजन नंबर 3 च सारे इंस्पैक्टर सब किधरे असी उस वेले ही फोन करते सी और दसता सी इदा करके साडा मुंडा लग गया। हजे तक सर कार्रवाई नहीं है वो कह रहे जी असं देख रहे हैं कर रहे हैं। निर्मल सिंह जी कह रहे जी कि सानू कोई रोका आना वै CMC तो उस तो बाद कार्रवाई होएगी। असं मंग करते जी जल्दी तो जल्दी बंदे फड़न तो उन्होंने कार्रवाई कर। दरअसल लुधियाणा के शिंगार सिनेमा चौंकी इलाके विच रात नूं सैर करन वाले नौजवानों नूं कुछ लोगों ने रोकिया अते कहा कि उन्होंने लंघन नाल सब की नींद खराब होंदी है। तुहानूं दस दईए कि इस लड़ाई विच औरतां भी शामिल हो गई बस इस मामूली जिही गल नूं लैके यह झगड़ा काफ़ी वध गया। हादसे विच अमित नामक नौजवान के सिर ते गंभीर सट्टां लगियां ने फिलहाल वह CMC हस्पताल विच जेरे इलाज है। SP वरियाम सिंह वल्लों इस मामले की सारी जानकारी सांझी कीती गई है। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਅਮਿਤ ਅਤੇ ਸੌਰਵ, ਇਹ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ।
इस गल नूं लैके दोनों पार्टियां च झगड़ा होया तो उन्होंने उन्दे सट मार दित्ती सौरभ दे तां उन्दे हैड च सिर दे विच ग्रीवियस इंजरी है। इन्हां दा बयान लिख के सौरभ दे बयान ते रजिंदर ते उन्दे नाल जिहड़े उन्दे साथी ने उन्हां दे खिलाफ 326 ISPC दे तहत मुकदमा दर्ज कर लिया ते तफ्तीश जिहड़ी आ ओह अगे चल रही। सूबे च इस तरह दीआं खूनी झड़पां आम हो गईआं ने अते प्रशासन दे कन्न ते जूं नहीं सरक रही। इस तों पहलां वी सूबे दे कई शहरां तों अजिहीआं घटनावां सामणे आ चुकीआं ने। खास कर बीते दिनी मोगा अजिहीआं वारदातां नूं लै के काफ़ी सुर्खियां च रिहा। की प्रशासन इसे तरह कुंभकर्ण दी नींद सुत्ता पिया रहेगा? इस सवाल दे जवाब दा जनता नूं इंतजार है। लुधियाणा तों नरेंद्र महेंद्रू दी रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।